हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं NISTR एप्लीकेशन फॉर्म। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि NIST एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, तो NIST का मतलब होता है NEST यानी कि नेशनल एग्जाम स्क्रीन टेस्ट, ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो इसका क्या यूज है और NEST एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो होती है हमारे दो इंस्टीट्यूट है, NISTR भुवनेश्वर यानी कि जिसको हम नाइसर भुवनेश्वर बोलते हैं, और एक जो है हमारा CEBS मुंबई है, जिसके अंदर एडमिशन के लिए जो है आपको NEST जो टेस्ट देना होता है, और इसको उसके जो स्कोर के मार्क्स के बेसिस पे आपको NISTR भुवनेश्वर और जो है CEBS मुंबई के अंदर एडमिशन मिलता है, जो कि हमारे देश के जन्नत इंस्टीट्यूट है। और हमारे देश की मतलब रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जितना भी योगदान है, मतलब रिसर्च के लिए टॉप इंस्टीट्यूट जिसे माना जाता है, तो ये इसके अंदर आपको जो है एडमिशन मिलता है नेक्स्ट के जरिए NEST। ओके, सो इसकी वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं। कब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसका एग्जाम कब है, सिलेबस क्या आने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कंप्लीट के अंदर चर्चा करेंगे। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, जो है NEST जो 2022 है उसकी एग्जामिनेशन डेट आपको जो है ब्लिंक कर रही होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 18 जून 2022, जो कि सैटरडे को एग्जाम होने वाला है। ओके, इंपॉर्टेंट डेज के अंदर अगर अपन चर्चा करें तो जो है रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी अनाउंस शॉर्टली, यानी कि अभी तक अनाउंस किया नहीं है, लेकिन जो आपको मैं बताऊं वो 1 मार्च आप मान सकते हो, या फिर फरवरी के अंदर भी एटलीस्ट 22-23 फरवरी से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, यही एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना तक चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। और डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हो जाएंगे आपके, मई के अंदर मान लो, क्योंकि 18 जून को एग्जाम है, और अनाउंसमेंट ऑफ जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 18 को तो एग्जाम है। ओके, सो इस बार जो है एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। सो कैंडिडेट क्वालिफाई ओवर ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो इसके अंदर क्या दिया गया है, कैंडिडेट इन द यूनिवर्सिटी एंड ओबीसी कैटेगरी मस्ट हैव बोर्न ऑन और आफ्टर, यानी कि इस डेट या फिर इस डेट के बाद में पैदा होना चाहिए बच्चा। ओके, तो जो भी बच्चे जो है 1 अगस्त 2022 को, यानी कि इस दिन या फिर इसके बाद में पैदा हुए हैं, ओके, जो परियां उनको जो है इस दिन बाद में अर्थ पे अगर छोड़ के गई है, तो वो जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो बच्चे एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और अदर लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो इससे 5 साल घटा दें, यानी कि 2001 दो हजार देन तीन और घटा दो, यानी कि 1997 वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे 1997 के बोर्न हैं और एससी एसटी एंड लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है इसके अंदर अपियर कर सकते हैं। अब 12th के अंदर कब एग्जाम होना चाहिए उनका, तो क्लास 12th क्वालिफाई एग्जामिनेशन मस्ट हैव फर्स्ट आइदर 2020, 21 और 22, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार जो है 2020 वालों को भी इंक्लूड किया गया है, बिकॉज ड्यू टू COVID-19 ओनली। ओके, वेयर ओनली लेटर ग्रेड इज गिवन बाय द बोर्ड और सर्टिफाइड फ्रॉम बोर्ड स्पेसिफिक परसेंटेज मार्क विल बी रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ सच ए सर्टिफिकेट द डिसीजन रेस्पेक्टिव एडमिशन कमिटी विल बी फाइनल। ओके, और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विलेट ग्रेड इन 12th, और जो भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55% होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड सिक्योर ए पोजीशन इन द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, वो तो आपको पता ही है मेरिट लिस्ट के लिए, तो इसलिए आप एलिजिबल होंगे। सिलेबस की अपन कंप्लीट के अंदर चर्चा कर लेते हैं यार, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अगर जेई दे रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप जरूर से अप्लाई करें। ओके, एक आईसर भी होता है, आप उसके लिए भी अप्लाई करें, और CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, आप उसके लिए भी अप्लाई करें, और भी IACS है उसके लिए भी आप अप्लाई करें, और भी एटलीस्ट ज्यादा कुछ इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया के अंदर, एटलीस्ट 7 से 8 ऐसे टॉप यूनिक इंस्टीट्यूट है, जिसके लिए उन सब की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी क्या होता है सारा सिस्टम बताएंगे अपन। अब रही बात मार्क्स की, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो है जैसे कि बायोलॉजी का सेक्शन दिया गया है, तो बायोलॉजी के अंदर यही है सिलेबस है इस बार का, जो कि अभी डिक्लेयर किया है।
10th सेमेस्टर का सिलेबस है ये, ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस चल रहा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें भी। देन उसके बाद में जो अगर अपन डिस्कस करें, माय गॉड इतना बड़ा सिलेबस, बाप रे बच्चा पार्टी कैसे याद होगा यार तुमसे। देन मैथमेटिक्स देख सकते हो, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ओहो है ना, बेचारे प्यारे बच्चे कैसे याद करेंगे। फिजिक्स, फिजिक्स देखो जरा, ठीक है, जचा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई फोड़ दो के इसको, नेक्स्ट को जल्दी से फोड़ दो, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना फोड़ो कि यही फूट जाए, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, आपको एग्जाम को फोड़ना है, नेक्स्ट को नहीं फोड़ना है, इंस्टीट्यूट को नहीं फोड़ना है, एग्जाम को फोड़ो, जचा के फोड़ो, ऐसा फोड़ो कि ये नेक्स्ट भी सोचे कि वाह क्या फोड़ा है यार। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, इसके अंदर दो इंस्टीट्यूट शामिल है, NEST जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर दो ही है, एक नाइसर भुवनेश्वर है और एक जो है CEBS मुंबई है। सो जो है CEBS मुंबई जो है सिर्फ 57 सीट रिजर्व करता है, और जो बाकी बची जो सीटें हैं वो नाइसर भुवनेश्वर के द्वारा भरी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टेंटेटिवली देर आर 57 सीट्स इन दिस ईयर विथ रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म सेकेंड। ओके, और सप्लीमेंट्री सीट्स आर रिजर्व फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो भी कश्मीरी पंडित है, एंड लद्दाख। फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट स्ट्रीम आप इसके जो है चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। ओके, नाइसर क्या है, देर आर टोटल ऑफ 200 सीट्स, 200 सीटों में से इसकी कितनी होगी, दो सीटें ये दी गई है, और ठीक है नाइसर का तो सिंपल है। और इसके अंदर जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस, नाइशर फंक्शन फ्रॉम ए कैंपस एट जितनी। ओके, क्या है ये, जितनी है ना, जितनी। ओके, डिग्रीज आर नाइशर विल बी अवॉर्डेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI। ओके, आई रियली प्राउड ऑफ यू एट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, हम भी फोड़ेंगे अपना एटम। ओके, सोच लो तुम्हें भी फोड़ना है, ठीक है। सो इसके अंदर जो है दो ही है यार, NEST और जो CEBS मुंबई। NEST अच्छा है वैसे, CEBS भी अच्छा है, कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता। और जचा के पढ़ाई करो और फोड़ दो, ठीक है, जब भी फोड़ दो और रिजल्ट के अंदर कुछ मार्क्स आए तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, या फिर जो है मुझे ईमेल भी कर सकते हो कि भैया आज हमने फोड़ दिया है और देश के लिए कुछ करना है। ओके, और देश के लिए कुछ करना ही है रियल के अंदर, अभी इंडिया की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है यार, तुम लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। और जो भी लोग बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो कोई महान कोई देशों से पढ़ के नहीं आते, जितने भी हमारे देश के हैं, चाहे मोदी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिड़ला हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, सारे के सारे जो है बचपन से ही एटलीस्ट यही तुम्हारी पोजीशन होती है, 11th 12th। आपको लग रहा होगा कि हम अभी बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन हम इंजीनियरिंग करने के बाद भी यही लगता है कि हम अभी बहुत छोटे हैं। ओके, सो खूब पढ़ाई लिखाई करते रहो, और देश को संभालना है यार तुम्हें, और छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आता है मैं आपको जो है फिल करके बताऊंगा इसी चैनल पे, इसके रिगार्डिंग जैसे जैसे देश के यूनिक इंस्टीट्यूट है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो के अंदर, अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच।